हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग घर में सेफ हैं और पेरेंट्स का बात सुन रहे हैं और टीचर्स के भी बात सुन रहे हैं। ऑनलाइन क्लास आप लोग अच्छे से कर रहे हैं और हम लोग भी कुछ कुछ वीडियोस वगैरह जैसे अलग अलग एक्टिविटीज भेज रहे हैं, आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी तरह से पहले की एक्टिविटीज की तरह आज मैं आर्ट का और एक टॉपिक पे करने जा रहा हूँ, वो दिवाली से ही रिलेटेड है। रंगोली करते हुए कैसे क्या करना है, कैसे पोस्टर बनाना है, उसके ऊपर ड्रॉइंग करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा सा लाइट का थोड़ा इधर उधर हो, मगर फिर हम अच्छे से इसको ड्रॉइंग को दिखाएंगे, आप लोग उसको अच्छे से गौर से देखिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक गर्ल का ड्रॉइंग बनाएंगे जो कि कलर कर रही है। तो मैंने हमेशा कहा कि सब्जेक्ट पहले करेंगे फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट में मेरा जो रहना है तो उसको पहले बना लेते हैं। तो मैं एक फिगर बना रहा हूँ, लड़की का फेस है, उसके बाद मैं इसकी बॉडी बॉडी वर्क बनाऊंगा। आप पहले गौर से देखिए कि मैं किसके बाद क्या बना रहा हूं, तो उससे क्या ना बहुत इजी होती है, कोई भी चीज को पकड़ने में इजी होता है बहुत जल्दी। मैंने ये कर लिया, फेस कलर बना लिया, उसके बाद उसका नेक का पोर्शन बना लिया, और फिर देन मैं ऐसे बॉडी बनाया। इससे क्या होता है ना, उसका बॉडी का जो बैंड बना है उसका पोर्शन मुझे इजीली मिल जाता है। हाथ बनाया मैंने, गर्ल है, बैंगल्स देना जरूरी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि त्योहार है। वी ऑल आर इंडियंस, थोड़ा सा सस्ते धरते ज्यादा है। ये हाथ में उसका एक पॉट जिसमें कुछ रखा हुआ है, इसका बॉडी पोस्टर मैंने जैसे कहा था चेंज करेंगे। ये रहा, अभी देखिए अपने आप लगा के झुका हुआ है। फिर मैंने दूसरा हाथ बनाया से, रंग फेंकते हुए फिर उसके बाद यहां उसका ड्रेस हम लोग नॉर्मली क्या क्या करते हैं, हम लोग जब हाथ बना देते हैं हम लोग ऐसे हाथ बना लेते हैं, फिर ऐसे करके हाथ, नो बॉडी में स्किन के साथ टच होते हुए जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। उसके लिए करने क्या है, उसके लिए करना ये है, ये पूरा हैंड बनाने के बाद इसके बाद आप यहाँ पे लाइन खींचो, उसको जिस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाना है आप उस तरह से पहना, बहुत इजी। आप देखिए कितना अच्छे से उसका सुंदर सा ड्रेस भी बन गया। यहाँ पे आपको उसको डिजाइन देना है गर्ल्स तरह से पीछे से, ये हो गया। अभी उसका पैर का पोस्चर जो है बना दिया, दोनों पैर बैठ गई। फिर पीछे जो है उसका, पहले मैंने ये बनाया देखिए, इसके बाद उससे क्या होता है मुझे हेल्प मिल जाता है कब खाना डालने के, खाना तो डालूंगा कितना ही चीज। दोनों पैर हैं, देखा दीदी दो पैर हो गए, ये उसका ड्रेस का पार्ट बन गया। अभी ये बनने के बाद यहाँ रंगोली बनेगा, तो रंगोली अकेले बैठ के बनाने में मजा नहीं आता, घर का पूजा है तो इसमें अगर बहन बना रही है तो भाई बगल में रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, तो भाई को भी सीखने का मन है, तो भाई ने क्या किया तभी भाई का भी बनाया, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है जो लड़का का काम है या लड़की का काम नहीं, सारा वर्क सबका है, सबको करना होता है, सारा ट्रेडिशन सबको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि लड़की लोग ही रंगोली करेंगी लड़का लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, लड़का लोग भी करेंगे
तो उसका मना दिया नहीं है। फिर मैंने उसका ये दीदी को बैठ के रंग दे रहा है, हाथ में उसका रंग का कटोरा में कर सकते हैं डब्बा जैसे आप समझिए। पहले मैं ये सब बना रहा, ये टॉलर बन गया। अभी ये जो बैठने का पोस्चर है थोड़ा घर है तो थोड़ा घरेलू जैसे बैठा रहते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँ थोड़ा सा पे फोल्ड कर दिया ऐसे। आप लोग जो रंग करेंगे तो इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। रंगोली कलर तक रहे हैं और भी डब्बा रखा हुआ है जिसमें यह कटोरा है जिसमें घर में है तो कलर भरा हुआ है, कलर भरा हुआ है। ये बन गया सब्जेक्ट। अभी घर का थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, घर का माहौल। घर का माहौल बनाने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा जब सब्जेक्ट बनते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इतना भी ध्यान रखता है ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि घर में हो गया आपका हो गया। आप इसके ऊपर दिया लगा सकते हैं ऐसे दिवाली है। दिया वगैरह का आप अपने हिसाब से डिजाइन देकर और सजा सकते हैं। यहाँ पर दिया लगा दिए तो सारा। और दिया का जो ब्यूटी होता है लाइट में, आजकल लाइट इलेक्ट्रॉनिक लाइट यूज होता है वो भी खराब नहीं लगता है, पर दिया का जो स्मूथनेस है उसका जो लाइट की जो ट्रेडिशनल चीज है उसका कुछ बात ही अलग होता है। कोशिश करें और ये इको फ्रेंडली भी होता है। तो हम लोग आर्टिस्ट लोग का काम है कि सोसाइटी को सही गलत की पहचान करवाना। तो दिया जो अच्छा है सबको, तो दिया चल गया यहाँ पे। अगर आपको सांडिले वगैरह टंगना है
डिपेंड करता है आप कितना इसका रंग, क्योंकि दिवाली कलर्स का फेस्टिवल है, कलरफुल है, कलर्स इन द कलर्स एंड लाइट का फेस्टिवल है, ऐसे तो होली कलर्स का फेस्टिवल है, मतलब इसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत कलर्स का फेस्टिवल है, इस पर गौर से ध्यान दीजिए, मगर सबसे बदमजी बात है पहले आप हमेशा सब्जेक्ट पे ऊपर ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट कैसे बढ़ाएंगे, ये आप पढ़ रहे हैं, ये पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा, इसमें आपको जो सही लगे कि मुझे और सनलाइट टांगना है, कलरफुल लाइट्स देना है, और कुछ सजाना है, माला टंगाना है, कुछ शुभ में अच्छे से कुछ मैसेज देना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, ये आप एज यू विश योर चॉइस, आप कुछ भी भर सकते हो वहाँ पे, बट ये जो सब्जेक्ट पार्ट है ये सबके थोड़ा ध्यान नहीं है और प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मैं बोलता हूँ कोई भी आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करना जरूरी, सेम ड्रॉइंग के लिए भी घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है, होप आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए एक बार पूरा ड्राइंग को, इसमें अगर आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप थोड़ा चेंजेस करते हैं बॉडी के, जैसे ड्रेस का डिजाइन कर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही बना दिया है, आप बॉडी में कुछ प्रिंट डाल सकते हैं, ड्रेस में कपड़ा में लाइन्स डाल सकते हैं, आप इसे ठीक है, होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, आप लोग हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।